हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बड़ा लास्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 6.2 और उसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं। देखिए कहाँ तक क्या पहुँच गए थे अपन। सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एग्जामाइन द फॉलोइंग डिफ्रेंशिएबिलिटी इन इंटरवल 0 to 2। एफ एक्स गिवन, हमें फंक्शन एफ एक्स गिवन है, मॉडुलस एक्स माइनस वन प्लस मॉडुलस एक्स माइनस टू, और हमें 0 से 2 में इसमें डिफ्रेंसिबिलिटी चेक करनी बेटा। ठीक है, अब आप लोग देखिए बेटा, मैंने कहा था जब भी मॉडुलस फंक्शन आ जाए तो उसको हमें पहले डिफाइंड करना पड़ेगा, परिभाषित करना पड़ेगा। परिभाषित कैसे करना है, आप एक बार या तो वो से बनाओ पूरा डिटेल से, उससे बेटर क्या वैसे बना लो x माइनस वन और x माइनस टू। हमें देखना भाई ये x माइनस टू जो है ये कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। जब x का मान 2 से बड़ा होगा तो x माइनस टू की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब x का मान 2 से छोटा होगा तभी नेगेटिव होगा। x माइनस वन कब पॉजिटिव होगा, जब x का मान 1 से बड़ा है, 1 से ग्रेटर देन आएगी तो वैल्यू पॉजिटिव, और 1 से छोटी लिए नेगेटिव। तो हमें दो पॉइंट मिले, 1 और 2 पे कंडीशन चेंज होती हैं। अगर x का मान माइनस इन्फाइनेट से वन, एक तो एक वन से इन्फाइनेट में, वन से टू में सॉरी, एक टू से इन्फाइनेट। ठीक है, तो यहाँ तीन कंडीशंस बनेंगी, जब एक्स का मान लेस देन वन है, जब एक्स का मान लेस देन वन है, जब एक्स का मान एक से छोटा है, एक से छोटा मान हो तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दोनों आएंगे माइनस एक्स माइनस वन, अरे माइनस ऑफ एक्स माइनस टू। ठीक है, इसको भी नेगेटिव, इसके भी नेगेटिव लगा दो, इसके भी नेगेटिव बाहर लगा दो ऐसे। अब इनको सोल्व करने पे आएगा ये माइनस का एक्स प्लस वन, माइनस का टू एक्स प्लस टू, जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस वन। इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, माइनस का टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ये भी नेगेटिव रखोगे, ये भी नेगेटिव जोड़ोगे तो माइनस का टू एक्स प्लस वन आ जाएगा। जब एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, लेस देन टू है, दो से छोटा एक से बड़ा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव ये तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स माइनस वन, ये बनेगा नेगेटिव माइनस एक्स माइनस टू। ठीक है, और जब एक्स एक्स कट जाएगा, माइनस वन प्लस का टू, तो ये सोल होके क्या बन जाएगा, वन। ठीक है, इसको पॉजिटिव रखो, इसको नेगेटिव, एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, वन बचेगा सिर्फ। जब एक्स का मान 2 से बड़ा है और इक्वल टू है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तब आएगा 2x माइनस, ये भी पॉजिटिव, टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, जब दोनों को पॉजिटिव लोगे तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। इतनी बात समझ में आई, ऐसे हमें ब्रेक करना है। ये फंक्शन डिफाइंड हो गया, परिभाषित हो गया। अब इसकी डिफरेंस देखो कहाँ चेंज हो रही है, हमें 0 से 2 में चेंज करना है, देखना है। तो 1 पे चेक कर लो, 2 पे चेक कर लो, है ना, 1 पे चेक कर लो, एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरेवेटिव, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। कैसे निकालेंगे बेटा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच की बोली यहाँ से निकालोगे, माइनस टू इंटू वन माइनस एच प्लस वन, एफ ऑफ वन की वैल्यू बेटा 1 आ जाएगी, अपॉन डिवाइड बाई माइनस एच। इसको सोल्व करोगे आप तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस का टू प्लस का टू एच प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है बेटा, ये बेटा प्लस थ्री आएगा, देखो माइनस होगा, ये प्लस का थ्री होगा, यहाँ पर गलती हो गई है, इसमें ये प्लस का थ्री बनेगा, यहाँ पे प्लस का थ्री बनेगा, तो माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री कट गया, तो लिमिट बन चुकी लिमिट एच टेंस टू जीरो टू एच अपॉन माइनस एच, एच एच कट गया, वैल्यू आई माइनस का टू, वैल्यू क्या आई माइनस का टू। जब दोनों नेगेटिव हो गए ना, तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, ये प्लस का टू हो जाएगा, प्लस थ्री बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई थी। अब देखो, अब आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन में एच,
देखो एफ ऑफ वन प्लस एच, वन से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए, वन से ग्रेटर देने के लिए फैलाना वन, तो यह आएगा वन माइनस वन अपॉन एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो जीरो बटे एच वैल्यू आ जाएगी जीरो। कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस टू और राइट कितना है? टू, जीरो है। तो एट एक्स इक्वल टू वन फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंसीबल, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन पर फंक्शन डिफ्रेंसीबल नहीं है, अवकलन ये नहीं है, ओके। तो टू पे चेक करने की जरूरत नहीं है, वन पे नहीं है, तो और करना चाहो तो कर लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारी इसकी डिफ्रेंसीबिलिटी हमने चेक कर ली। क्वेश्चन नंबर आइए फिफ्थ में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स, इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ एक्स इक्वल टू जीरो देन इट इज जीरो। ये हमको फंक्शन ये होना है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपका, और हमें इसको कहाँ चेक करना है? एक्सरसाइज 6.3 मैंने क्लास 12th है, हमें इसकी डेफिनेशन कहाँ मिल रही है? जीरो पे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करो, एट एक्स इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में माइनस एच, तो बेटा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच के लिए यहाँ से निकालेंगे, तो जीरो माइनस एच इंटू टेन इनवर्स जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो बटे में माइनस एच, तो फाइनली क्या बन गया? लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच टेन इनवर्स माइनस एच बटे में माइनस एच, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, एच का मान जीरो पुट गया, टेन इनवर्स जीरो की वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है बेटा? जीरो आ रहा है। ऐसे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में एच, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच के लिए यही फलन है, तो जीरो प्लस एच टेन इनवर्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो जीरो है ये एच, तो यहाँ से बन गया लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू टेन इनवर्स एच, एच से एच कैंसिल, एच का मान जीरो पुट गया, तो ये भी क्या जाएगा? जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कितना है? जीरो है। राइट भी कितना है? जीरो है। तो दोनों इक्वल हैं, तो फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है? किस पॉइंट पे? एक्स इक्वल टू जीरो पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर सिक्स जो आपका एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, हमें ये कहानी मिटा देता हूँ यहाँ से, ये तो सबसे मान है, फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू वन माइनस कोस एक्स बाई टू वेन एक्स लेस देन जीरो लेस देन इक्वल टू, और ये एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई टू जब एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा एक्स इक्वल टू जीरो पर लेफ्ट डेरिवेटिव ये फॉर्मूला हो गया आपका, एफ ऑफ जीरो माइनस एच यहाँ रखेंगे, तो वन माइनस कोस जीरो माइनस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू एफ ऑफ जीरो कोस वन कोस जीरो की वैल्यू आ जाएगी वन, तो ये बन गया जीरो बाई टू बाई एच माइनस एच। सोल्व करो कि बेटा बनेगा वन माइनस कोस में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो वन माइनस कोस एच बटे में टू एच माइनस का, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एच ये टू साइन स्क्वायर एच बाई टू
टू साइन स्क्वायर एच बाई टू ऐसा बनेगा ना भाई, बटे में माइनस एच बटे में टू एच, एक ऐसे एच कट गया। अच्छा जी, एक ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो एच बाई टू से। एक बार देखो जो कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये आ गया भाई, इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एच डिवाइड बाई माइनस का टू एच, ये हमारे पास ठीक है। वन माइनस कोस थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो फॉर्मूला लगा दीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बनेगा टू साइन स्क्वायर एच बाई टू ठीक है, अपॉन में टू एच माइनस का टू तो कट गया। अच्छा यहाँ एच बाई टू, तो यहाँ भी एच बाई टू चाहिए हमें, तो एक टू से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, और एक एच बाई टू स्क्वायर चाहिए तो क्या किया मैंने, एक एच बाई टू से और मल्टीप्लाई कर लिया और इसका स्क्वायर बना दिया ऐसे। ये तो कट गया था आपका और ये बन गया ऐसे। हो ठीक है, बाकी यहाँ चार आ जाएगा वैसे तो ठीक है, दो कर लो, दिक्कत नहीं। देखो ब्रैकेट खोलो, ये एच स्क्वायर बाई टू आएगा तो एक तो इससे कट जाएगा और एक बचेगा वो था ही हमारे पास, तो ये हो गया वन, ये क्या बन गया वन। एच का मान जीरो पुट किया, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो, तो इसका लेफ्ट नेट ना जीरो है। अब निकाली राइट आर एच डी, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बटे में एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच की वैल्यू, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो वहाँ रखोगे तो आएगा एच माइनस टू इंटू एच का स्क्वायर और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो बेटा बटे में टू। अच्छा इसके बटे में दो था, बटे में एच और आ जाएगा, एच कॉमन है कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। सोल्व कर देता हूँ चलो आपके लिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच कॉमन लिया तो बेटा वन बाई टू माइनस या वन माइनस टू एच बटे में टू और बटे में एच, एच से एच कट गया आपका, तो एच का मान जीरो पुट किया वैल्यू आ जाएगी वन बाई टू। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंसीबल एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर जीरो पर फलन अवकलनीय नहीं है ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ओके। तो तीन क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, ओके ओके बेटा, बाय, टेक केयर।